शराब का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वे शराब नीति पर अंतिम परामर्श करने अपने घर से निकलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के घर जा रही हैं। बाहर निकलते ही उन्होंने एक बार फिर ट्वीट किया और कहा कि मैं भाजपा सरकार या शिवराज की विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ शराब के दुश्मन हूँ और गंगा की भक्त हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराब के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करने उनके घर पहुंची। उमा भारती ने अपनी इस मुलाकात की खबर ट्वीट पर दी। उमा भारती ने बताया कि उन्होंने शिवराज से कहा कि जो सुझाव मैंने शराबबंदी को लेकर दिए हैं उन्हें शिवराज वैसे ही लागू करें। मैं भाजपा सरकार या शिवराज की विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ शराब की दुश्मन हूं और गंगा की भक्त हूं। इस पूरी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में उठापटक तेज हो गई है। बीजेपी नेता उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान से अपनी मुलाकात पर ट्वीट करते हुए ये भी बताया कि मैंने शराब बंद करने को लेकर उनको कई सुझाव दिए हैं और उन सुझावों को लागू करके प्रदेश में शराब बंद करने का आग्रह मैंने मुख्यमंत्री से किया है। उमा भारती ने ये भी लिखा कि अधिकारियों को तो सिर्फ लागू करना है, परामर्श तो जन समाज से करने हैं एवं महिलाओं की सुरक्षा तथा नौजवान के भविष्य की चिंता करनी है। मैंने अपने परामर्श पर आग्रह किया है कि अब मैं इस बारे में 5 दिन बाद बात करूंगी। खैर मनाइए कि सब कुछ ठीक ही रहे, मुख्यमंत्री अपने वादों को पूरा करें और लोगों से परामर्श लेकर शराबबंदी करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।